हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। आज मैं ये पार्ट वन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं कि ये काफी लंबा वीडियो इसमें होता जा रहा है। ये पार्ट वन लेक्चर में आ गए हैं और एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस ही हैं जिसमें हम एक लेक्चर में दो या तीन क्वेश्चन भी डाल पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर एक साथ क्वेश्चन डालिए इसमें, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम 15 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग इतना लंबा वीडियो नहीं देखते। अगर आपको लंबा वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा। सो चलो स्टार्ट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, एक्सरसाइज 2.2, इंश्योरेंस एंड एनुटी, जिसमें हम एनुटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है, पार्ट 9, 10, 11, 12 के वीडियो में, 11 के वीडियो में। अब 12 पार्ट में हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक पहले 2.2 एक्सरसाइज में खाली एक ही क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर अकेला हो अपने आप में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एनुटी इमीडिएट, एनुटी कौन सी है, इमीडिएट एनुटी है, एट रुपीज 20,000 पर ईयर। तो यहां पे हो गया सीपी वैल्यू, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 20,000 पर ईयर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सी क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ ईयर अमाउंट 2,60,000 इन 3 ईयर्स, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये कितना हो जाएगा, 2,60,000 हो जाएगा कितने वर्षों में, एन इक्वल 3 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज आर निकाला है, आर इक्वल क्वेश्चन। तो आपको एवरी ईयर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 20,000, 4 ईयर्स के बाद उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितनी होगी, 2,60,000, और एन की वैल्यू क्या है, 3 ईयर्स, और हमें निकालना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर की वैल्यू निकाली है, सुन रहा है, तो यहां पर हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का निकालते हैं, एनुटी इमीडिएट का, ए इक्वल सी अपॉन आई, 1 प्लस आई रेस्ट टू एन माइनस 1। ए की वैल्यू कितना दिया है, 2,60,000, सी की वैल्यू 20,000, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आई निकालना है, 1 प्लस आई रेस्ट टू एन की वैल्यू 3 माइनस 1। अब यहां पर बहुत सावधानी से काम लेना है, हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2,60,000 = 20,000 upon i raised to 1 plus i raised to 3। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, a प्लस बी का क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a² b + 3ab² + bq। ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा 1 + i³। तो जस्ट हम 1 + i³ कॉल को क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। सो ए का ए रेस्ट टू 3, दैट मीन्स 1 का 3 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 रेस्ट टू 3 क्या होगा, 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 3a² b, ये 3 के बाद a स्क्वायर, दैट मीन्स ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और b मीन्स i, तो ये हो जाएगा 3i, प्लस 3ab² 3a है ये और ये बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर, तो 3i² हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कुछ नहीं आएगा, और प्लस आई का क्यूब, बी क्यूब है लास्ट में तो आई क्यूब हो जाएगा माइनस 1। बहुत ध्यान से हमने इसका जो एक्सपांशन किया यहां से लेकर यहां तक वो इस फॉर्मूले से किया, इस बात को एकदम ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे इसमें, 2,60,000 / 20,000 यहां पर अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 upon i। अभी देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, +1 से -1 निकल गया, तो क्या बचा, 3i + 3i² - i³। नाउ ये 40 से 40 कैंसिल, ये 13 हो जाएगा, ये हो गया 1 upon i into, हम इसमें से क्या करते हैं, i कॉमन ले लेते हैं सबसे, से ये हो जाएगा 3 + 3i + i² हो जाएगा, i हमने कॉमन ले लिया तीनों में से, i से i कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, बहुत ध्यान से करना है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, 13 = i²
प्लस थ्री आई प्लस थ्री, ये देखिए आई स्क्वायर प्लस थ्री आई प्लस थ्री। नाउ अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग समीकरण। तो क्या दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो क्या करूंगा मैं, आई स्क्वायर प्लस थ्री आई प्लस थ्री, अगर 13 को मैं लाऊंगा इसमें तो माइनस में आई स्क्वायर प्लस थ्री आई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देते हैं, तो 5 टू द 10 तो आई स्क्वायर प्लस 5 आई माइनस 2 आई माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो 5 टू द 10 5 आउट ऑफ माइनस करेंगे 2 तो क्या आएगा 3 आएगा। नाउ आई कॉमन ले लो तो आई प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लो तो आई माइनस माइनस प्लस 5 टू 5 इज 10 इज इक्वल टू जीरो। दैट मींस आई प्लस 5 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आई माइनस 2 इक्वल टू जीरो, दैट मींस आई प्लस 5 इक्वल टू जीरो और आई माइनस 2 इक्वल टू जीरो, दैट इज आई इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 5 और आई इक्वल क्या होगा प्लस 2। बट आई कैन नॉट निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर आई इक्वल क्या नहीं होगा माइनस 5 नहीं होगा, देयरफॉर आई इक्वल क्या होगा बोलो 2। तो R की वैल्यू क्या होती है, R इक्वल क्या होता है I के प्लस R अपॉन 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 2, दैट इज क्या हो जाएगा R इक्वल 100 इंटू 2, दैट इज R इक्वल 200% पर एनम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200% पर एनम, ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस वन इज वेरी नाइस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच एन एनुअली ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द एक्युमुलेटेड अमाउंट वर्क आउट टू बी ₹1,655 व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ईयर निकालना है फॉर विच एनुअली ऑफ ₹500 इज पेड। तो एनुअली ऑफ ₹500 पेड दैट मींस इक्वल टू ₹500, ये इच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द एक्युमुलेटेड अमाउंट वर्क आउट टू बी, एक्युमुलेटेड अमाउंट कितना दिया हुआ है 1655, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। आर क्या है 10% पर एनम, दैट इज आई क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू आर अपॉन 100, दैट इज 10/100, तो ये हो जाएगा 0.1। तो आप ये मान पड़ गया आपको निकालना है कितना, फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स, तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू सी अपॉन आर, तो 1 + i^n - 1। नाउ ए की वैल्यू कितनी दी है 1655, सी की वैल्यू कितनी दी है 500, अपॉन आई कितना है 0.1, 1 + i 0.1 है रेस टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा कितना 1655 पॉइंट जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां जैसे कर देते हैं हमें इंटू 0.1 अपॉन 500 इज इक्वल टू 1.1 रेस टू एन माइनस वन। सो क्या हो जाएगा ये, अगर हम क्या करते हैं यहां पर 1655 पॉइंट यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसा कर देते हैं अपॉन 500 इज इक्वल टू 1.1 रेस टू एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, अगर हम 500 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं ऐसा है 165.5 इंटू, अगर हमें यहां पे 20 हटाने का है तो ऊपर हम क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपॉन 5 कर देते हैं, तो हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 1.1 रेस टू एन माइनस वन। सो क्या होगा ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट घट जाएगा तो और ये 0 आ जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू 1.1 रेस टू एन माइनस वन। 5 + 15 5 + 5 5 + 5 = 0 1.1 = n - 1 मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एक्चुअली क्या हो जाता था ये, हम क्या कर देते हैं यहां पर
ये हो जाएगा इतना, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों, तो एग्जैक्टली क्या जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे इसे आप, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 से पहले 0 डालो, 3 0 गया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो एग्जैक्टली क्या जाएगा ये 1.655/5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक मिनट अगर ये निकल जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 0.331 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.331 हो जाएगा, यस करेक्ट, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो 0.331 हो जाएगा, तो ये 0.331 पूरा हो जाएगा। अब ना उसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखो ध्यान से यहाँ पर कैसे करेंगे आप, चलो मैं इसको डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो 11 से डिवाइड होगा, 11 3 33 11 1 11 नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मिस्टेक्स के अंदर दो बार हो गया, ये 1 इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.331 हो जाएगा, सॉरी तो 1.331 होने पे क्या हो जाएगा 1.331 अगर हम इसको डिवाइड करो तो पहले तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 11 से डिवाइड करते हैं, तो 0.11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 1 बचा 11 बन जाए 11, फिर 11 से तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, फिर 11 बन जाए, तो ये 3 टाइम है, दैट मींस क्या हो जाएगा ये 1.1 का रेस टू 3 हो जाएगा, ये 1.1 रेस टू 3 हो गया, तो यहाँ पर बेस दोनों का इक्वल है तो यहाँ पे एन इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो देयरफॉर एन इक्वल हो जाएगा 3 इयर्स, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कैलकुलेशन के टाइम में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, लेकिन आप लोग इस तरह से ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए, फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स फॉर व्हिच एन एंटिटी ऑफ रुपीज 500 इज पेड, तो अब देखिए क्या एंटिटी इज पेड फॉर 3 इयर्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोथ आर वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2, दोनों ही अलग क्वेश्चन होते हैं, ये अपने आप में केवल अकेले ऐसे क्वेश्चन है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन में किया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, वो एकदम एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या निकालना था नंबर ऑफ इयर्स, ये भी एक ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें नहीं है, या तो मिसलेनियस में मिलेंगे एक आध क्वेश्चन, अदरवाइज सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, इसलिए आज के ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईपी थे, सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लें, आप बहुत अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है, एग्जाम में आ भी सकते हैं, सो जिनको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, धन्यवाद, बाय बाय।